विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए हैं। इन आरोपों के चलते विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 3 महीने से आंदोलन चला रहे हैं और यहां पढ़ाई ठप पड़ी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री चरणदास महंत और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल को इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये विश्वविद्यालय देश का अकेला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। छात्रों ने यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के निदेशक अरविंद चतुर्वेदी को राजनीतिक संरक्षण के कारण ही नहीं हटाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि जो भी इसमें गड़बड़ियां हो या जो आरोप लग रहे हैं कि उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति न बने। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 1990 में स्थापित इस विश्वविद्यालय के चांसलर उपराष्ट्रपति हैं और इसकी महापरिषद में देश के बड़े पत्रकार, प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। दिसंबर से फरवरी तक छात्रों ने जब भूख हड़ताल की तो तय हुआ कि महापरिषद की बैठक बुलाई जाए। छात्रों की सारी उम्मीदें अब इसी बैठक पर हैं। हमारी मुख्य जो मांग है कि महापरिषद अरविंद चतुर्वेदी को हटाने का फैसला करे। विधायक दल की जो जांच होगी उसमें भी हमें पूरी आशा है कि अरविंद चतुर्वेदी निश्चित रूप से हटेंगे। महापरिषद की आपात बैठक आगामी 10 मार्च को दिल्ली में होगी। ये बैठक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हो रही है। छात्रों को उम्मीद है कि इससे उन्हें न्याय मिलेगा। राजेश बादल, भोपाल, आज तक।